आजमगढ़ में पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण के नेतृत्व में ऑपरेशन गिरफ्तारी चलाया गया, जिसमें 164 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यह अभियान रात 8 बजे से शुरू हुआ, जो पूरे दिन चला। अभियुक्तों को न्यायालय भेज दिया गया है। देखिए, आदरणीय डीआईजी रेंज महोदय श्री वैभव कृष्ण सर के नेतृत्व में, उनके डायरेक्शन में हम लोगों ने उन तीनों जनपदों में एक ऑपरेशन गिरफ्तारी चलाया गया, जो कल रात्रि 8 बजे से शुरू हुआ था और आज 8 बजे तक चलना है। और इसी में जनपद आजमगढ़ में हम लोगों ने एसपी सिटी, एसपीआरए और समस्त हमारे जो क्षेत्राधिकारी है, इनके सुपरविजन में टीमों का गठन किया गया था। और इसमें विशेष तौर से ये चीज़ें रखी गई थी कि अक्सर ये होता है कि जब गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभियान चलाते हैं तो थाने की जो टीम है वही काम करती है। बहराइच में भेड़िए के आतंक से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं और अब बस्ती जनपद में भी भेड़िए की अटैक की खबरें आ रही हैं। कप्तानगंज थाना के मड़ुआ गांव में भेड़ियों के झुंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत फैली हुई है। लोग रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं, वहीं खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भेड़िए को लेकर के जैसे हम लोग को सूचना मिला, हम लोग बैठे मड़ुआ गाँव पूरा सर्चिंग किए, वहाँ पर कुछ नहीं मिला और गांव वालों को भी हिदायत दे दिया गया है कि अगर ऐसे कोई बात होती है तुरंत वन विभाग को सूचित करें, वन विभाग तुरंत आकर के रेस्क्यू का कार्य करे। हरदोई में आयोजित मंजलिस ए अजा कार्यक्रम में मशहूर शायर आमिर फैजाबादी और मुदस्सिर जौनपुर ने शिरकत की। मौलाना जावेद हुसैन नजफी ने हजरत इमाम हुसैन की शान में खिताब किया। कार्यक्रम के बाद हजारों मोमिनों ने जियारत की और दुआएं मांगी। हरदोई के खेमपुर गांव में अमन हत्याकांड के मुख्य आरोपी रिजवान के निर्माणाधीन मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। रिजवान पर ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप था। नोटिस के बाद भी कब्जा न हटाने पर कार्रवाई की गई। रायबरेली में सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने राहुल गांधी की जातीय बयानबाजी और नसीराबाद में दलित युवक के मर्डर पर हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध जताया। सवर्ण आर्मी के कार्यालय उद्घाटन और जनसभा में पांडे ने कहा कि समाज अब जाग चुका है और निर्दोष लोगों को फंसने नहीं दिया जाएगा। पांडे ने राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया कि उन्हें निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी दिखाई नहीं दे रही। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको, हमारे देश का कानून भी कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को नहीं फंसना चाहिए। तो इस देश के कुछ नेता और इस देश के कुछ जातीय संगठन ये चाहते हैं कि ये प्रभाव बना करके, दबाव बना करके फर्जी निर्दोष लोगों को फंसाने का ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये कतई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवर्ण समाज भी अब जग गया है। वो पहले वाला समय गया जब सवर्ण समाज विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ था और इसी का लाभ ले करके ये लोग, हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को मजबूत किया, हमारे बाप दादाओं ने मजबूत किया, लेकिन सबसे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमारे समाज की बात आती है तो कोई नहीं बोलता है। रायबरेली के गदागंज थाना अध्यक्ष राकेश आनंद ने 20 अगस्त को लूट के शिकार रवि चौरासिया का पैसा लौटाने वाले व्यापारी दीपक गुप्ता को गलत तरीके से आरोपी बना दिया और जेल भेज दिया। व्यापारियों के विरोध के बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच डलमाओं कोतवालों को सौंप दी है, जिन्होंने दीपक गुप्ता को निर्दोष मानते हुए जेल से रिहा करा दिया। अब सवाल ये है कि थाना अध्यक्ष पर क्या कार्रवाई होगी और असल लुटेरे कब पकड़े जाएंगे। गाजीपुर में एक दुकानदार की पनीर देने के बाद उसके पैसे मांगने पर दबंगों ने सारे आम लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंचाई विभाग चौराहे का है। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई में दुकानदारों ने प्रशासन को गुमराह करने के लिए सरकारी नाले पर पक्का अतिक्रमण कर लिया और नाले को 5 फीट आगे बढ़ा दिया। नाले की स्थिति पास के मंदिर और दुकान के बीच बदल गई है। नगरपालिका के रहम से दुकानदारों के हौसले बढ़े हुए हैं और आरोप है कि नगरपालिका ने रुपए लेकर अतिक्रमण पर खुली छूट दी है। हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर 7वें दिन भी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहा। सर्कुलर रोड पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से कई अवैध निर्माण हटाए गए और इस दौरान सख्त दोबारा अतिक्रमण न करने की भी हिदायत दी गई। आज ये नगर हरदोई में अतिक्रमण का अभियान जो है लखनऊ चुंगी से बिलग्राम चुंगी तक चलाया गया। इसमें कृपया दुकानदारों द्वारा नाले के ऊपर अतिक्रमण किया गया था, जिसको बलपूर्वक हटवा दिया गया।
भदोही के भिखारीपुर में मकान की दीवार खुदाई के दौरान मिट्टी के ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई। बता दें, मुन्नालाल दीवार की ईंटें निकाल रहा था कि अचानक गहरे गड्ढे में मिट्टी भर भरा कर गिर पड़ी। जेसीबी से मिट्टी हटाकर मजदूर को निकाला गया, जिसको इलाज के लिए जाते समय मौत हो गई। घटना की जाँच के लिए पुलिस और क्षेत्र अधिकारी अजय चौहान मौके पर पहुंचे। लखीमपुर खीरी में चोरियों का गिराफ बढ़ता जा रहा है। पंडुआ थाना क्षेत्र में एक रात में 3 घरों को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। सरिया सीमेंट के व्यापारी दुर्गेश मौर्य के घर से 2.5 लाख रुपए की नकदी, 5 लाख रुपए के जेवर और 2 मोबाइल चोरी कर लिए। राकेश और रामदुलारी के घरों में भी चोरी हुई। पुलिस की गश्त और निगरानी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोहराबर में भारतीय किसान यूनिट की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश प्रधान ने प्रेमवीर सिंह को प्रदेश सचिव नियुक्त किया, जिसमें गांव में खुशी का माहौल है। प्रेमवीर सिंह ने अपनी नई जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन दिया। बैठक में तरुण आर्य, राजीव, कुलदीप, मोहित शर्मा, विजयपाल सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। झांसी के टहरोली तहसील के रनियारा गांव में खूंखार सीआरओ ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। सुबह वन विभाग को सूचना मिलने पर क्षेत्रीय वन क्षेत्र अधिकारी अवधेश कुमार बुंदेला के निर्देशन में पिंजरा लगाकर सीआरओ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या बोली, क्या नाम है आपका? जानकी तो क्या, कहाँ की हो? रनियारा। क्या हो गया है? सीआर ने काटा। क्या कर रही थी आप? पानी भर रहे थे। कितने सीआर थे? एक था। उन्नाव के बांगर माओ में दबंगों ने एक निजी स्कूल की क्लास में घुसकर 15 वर्षीय छात्र फरहान की जमकर पिटाई की और उसे अधमरा कर दिया। विरोध करने पर स्कूल के बाहर भी उसकी पिटाई की गई। पुलिस ने शिकायत के बावजूद पीड़ित के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद सीओ अरविंद चौरसिया ने मामले की जाँच का आश्वासन दिया है और छात्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। गंज मुरादाबाद चौकी क्षेत्र है, जो थाना बांगरमऊ के अंतर्गत आता है। वहाँ पर 31 अगस्त को एक जीनियस पब्लिक स्कूल है, जिसमें एक बच्चे के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की घटना प्रकाश में आई, जिसमें गहराई में जाने पर पता चला कि उस बच्चे का किसी बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसमें पहले प्रबंधक द्वारा दोनों बच्चों को आपस में सुलह समझौता करा के मामले को वहीं रफा दफा कर दिया गया था। बिजनौर में पुलिस ने साइबर ठगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक बैंक कर्मचारी को लाखों का चूना लगाया था। पुलिस की साइबर टीम ने ठगों को बेनकाब किया और उनके पास से मोबाइल, सिम, मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद किए गए। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने इस खुलासे की पुष्टि की है। जो बैंक मैनेजर की तरफ से कराया गया था, इसमें 9,84,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था, तो आरटीजीएस कराए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें साइबर थाने की टीम और स्वाट टीम दोनों ने मिलकर अच्छी कार्रवाई करते हुए उस घटना का अनावरण किया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इन लोगों ने ही विवेक चौधरी बनके, जो है क्या हुंडई के शोरूम है, वो बनके बैंक से पहले बात की, उनको ये कहा कि हम 3 करोड़ की अभी आत्मयाँ कराएंगे। उसके बाद एक मेल किया, जिसमें बताया कि हमें तुरंत ही पैसे की जरूरत है, 2 RTGS कराने हैं। बैंक ने 9,84,000 के 2 RTGS इनको कर दिए। ये दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 1,84,000 कैश मिला है। 3 लाख रुपए इन्होंने उसकी ज्वेलरी खरीदी थी, उसको मुथूट फाइनेंस पे गिरवी रख के लोन लिया है। फूलपुर के बसना गांव में सीआरपीएफ जवान महेंद्र कुमार का शव पहुंचा, जो छत्तीसगढ़ में हादसे का शिकार हो गया था। महेंद्र कुमार की तैनाती दंतेवाड़ा में थी, जहां बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। शव के गांव पहुंचते ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सीआरपीएफ जवान ने उन्हें सलामी दी। अंतिम संस्कार झूंसी के छंतनाग घाट पर किया गया। महेंद्र कुमार की मौत से परिवार और गाँव में कोहराम मचा हुआ है।